नमस्कार। चैप्टर दो चल रहा है हमारा, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। इसमें पढ़ रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र, ठीक है। और पाचन तंत्र में आज जो हमारा सिस्टम, आज जो हम ऑर्गन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आमाशय। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और आमाशय, स्टोमैक। देखो, हमने मुख, मुखगुहा, ग्रास नली यहां तक कर लिया था। अब हम नीचे बढ़ रहे हैं, पाचन तंत्र के नीचे जा रहे हैं, तो वहां आता है आमाशय। देखो कैसे, हमने क्या देखा था कि ये मुख गुहा है, ठीक है। मुख गुहा के बाद ये ग्रास नली है और अब हम पढ़ रहे हैं आमाशय। इस तरह से ये वाला भाग है अब, ठीक है। अब हम ये वाला भाग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा इसका आकार मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि ज्यादा भोजन ये ग्रहण करने लायक हो जाए, है ना। ये देखिए, ये हो गया आमाशय। चित्र मैंने आपको पहले भी दिखाया था, क्लियर। अगला है टॉपिक हमारा आमाशय। अब इस आमाशय में क्या एक जे की आकृति का, आकृति की ये पेशीय संरचना होती है, ठीक है। चित्र मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया ही था पहले, मैं और आपको एक बार यहां पर दिखाऊंगा इसको। देखिए, देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, ये आ गया आपके यहां पर, ठीक है। इसमें क्या है कि ऊपर से ग्रसिका, मुख, मुखगुहा, ग्रास नली, ये सारी चीज दिख रही है आपको। ये देखो, मुख, मुखगुहा, जिभ्या, मुख, मुखगुहा, ग्रसिका और ये रहा देखो आमाशय। यहां पर ये आमाशय दिखा हुआ है आपको, बिल्कुल बड़ा कर दिया मैंने। यहां देखिए, ये आमाशय है, यहां से यूं और ये यू संरचना ये गई। जैसे जे होता है ना इंग्लिश का, अंग्रेजी का जे का अक्षर होता है, उसके जैसे संरचना यहां पर इसकी बनी हुई है। तो ये जो जे के आकार की संरचना है ये होता है आमाशय, क्लियर। आगे आपकी समझ में, देख ले आप चित्र अच्छी तरह से, दिख रहा है ये रहा आमाशय। मुख्यतः इसके तीन भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइरोलस। कार्डियक, फंडिक और पाइरोलस, इस तरह से मुख्यतः है, इसके तीन भाग हैं। यहां क्या है, ये लचीला अंग है, मतलब जैसे इसमें खाना जाएगा तो ये फूल जाता है, ठीक है। तो कैसा अंग है ये? लचीला, लचीला अंग है। पेशी संरचना होती है जो 1 से 3 लीटर तक आहार ग्रहण कर सकता है। 1 से 3 लीटर तक कितना आहार ग्रहण कर सकता है? 1 से लेकर के और 3 लीटर तक का आहार ये ग्रहण कर सकता है। इसमें इतना आहार आ सकता है, क्लियर। यहां तक बात सारी क्लियर होगी आपके। अब अगर इसके भागों की बात करें तो आमाशय के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं इसके? तीन। देखो यहां आपको पूरा पाचन तंत्र दिख रहा है, यहां से लेकर के ये पूरा आमाशय हो गया। आमाशय के बाद ये यहां से, ये जो बया ना ये दिख रही है आपको, ये तो बड़ी आंत है। इसके पीछे से निकल करके ये यहां पर आ रही छोटी आंत, पीछे से निकल के यूं आ रही है और ये इस तरह से घूम घूम के यहां पर मुड़ी हुई है और यहां से जुड़ने के बाद ये यहां से बड़ी आंत में आ गई, ठीक है। ये बड़ी आंत आ गई और ये यूं यू का आकार बनाते हुए, उल्टा यू का आकार है ना, उल्टा
यू का आकार बनाते हुए और ये यहां गुदा द्वार के द्वारा यहां आके खत्म हो गई। ठीक है, ये कॉलन हो गई ना क्षुद्रांत और ये बृहदान्त। ठीक है, और यहां पर एक बीच में संरचना आपको ये दिख रही है ना, ये है अपेंडिक्स, परिशेषिका। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परिशेषिका। अपेंडिक्स आपने नाम सुना होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। यहां कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो भोजन का किण्वन कर देते हैं, कुछ बैक्टीरिया बड़ी आंत में भी होते हैं। फिर इसके बाद यहां पर ये कुछ पाचक ग्रंथियां हैं, जैसे देखो अग्नाशय, यकृत और एक ये पित्त स्टोर करने का संग्रह है जिसको बोलते हैं पित्ताशय। पिष्ट को, पित्त को संग्रह करने का एक अंग होता है। ठीक है, जब यहां पित्त का निर्माण होता है, बाइल जूस का निर्माण होता है, वो यहां पर संग्रहित कर लिया जाता है। उसको संग्रहित करने के बाद यहां देखो ये आ रहा ना, यहां पर ये आया, यहां छोटी आंत के यहां पर, यहां दोनों अग्नाशय और ये पित्ताशय दोनों एक साइड एक जगह जुड़ रहे, तो दोनों से आकर के और यहां पर डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस यहां पर डाल दिए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। क्लियर। चलिए अब आमाशय के बारे में, यह है जे के आकार की पेशीय संरचना है। जे के आकार की पेशीय संरचना है। ठीक है, आमाशय जे के आकार की पेशीय संरचना है। क्लियर। यह लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक भोजन को संग्रहित कर सकता है। जो 1 से 3 लीटर तक भोजन का संग्रह कर सकता है। भोजन का संग्रह कितना भोजन स्टोर कर सकता है, ये 1 से लेकर 3 लीटर तक। संग्रह लिखो या फिर आप इसको ग्रहण लिखो। ठीक है ना, मतलब एक बार में 1 से 3 लीटर भोजन ये अपने अंदर रख सकता है, जिसका कि पाचन होना होता है। यहां से पाचन अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाता है। इसके 3 भाग हैं, इसके वैसे 4 भाग बताए जाते हैं, इसके मुख्यतः 3 भाग हैं, एक मध्य का भाग और होता है, लेकिन हम मेन 3 भागों का अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला भाग है इसका कार्डियक, फर्स्ट है कार्डियक। हैं आप, ठीक है, पहला भाग है कार्डियक पोर्शन। ग्रास नली इसी भाग से आकर के जुड़ती है, ये देखो यहां पर ये वाला भाग कार्डियक। ठीक है, तो ग्रास नली इसी भाग में आकर के जुड़ती है। संरचना की बात कर रहे हैं हम पहले, ठीक है, आमाशय की संरचना की बात कर रहे हैं। तो कार्डियक ग्रास नली इसी भाग में जुड़ती है,
यह इसका बायां बड़ा भाग है। कर लें आप उसको नोट, यह है बायां बड़ा भाग है। हो गया। देखिए कार्डियक पहला भाग कौन सा है, कार्डियक, समझ में आ गया। ऊपर वाला जहां जैसे ये ग्रास नली आ रही है ना, ग्रास नली जहां जिस भाग से जुड़ती है वो कार्डियक है, और ये बायां बड़ा भाग है इसका, ठीक है। इसकी बाई साइड का ये बड़ा भाग होता है कार्डियक। इसके बाद आता है पायरोलिक, पायरोलिक पोर्शन। यह है आमाशय को छोटी आंत से जोड़ता है, किससे जोड़ता है, छोटी आंत्र से जोड़ता है, तथा दायां बड़ा भाग है। कौन सा भाग है, दायां बड़ा भाग, ये वाला भाग, ठीक है। ये है पायरोलस या पायरोलिक। जठर निर्गमी, हिंदी में बोलते हैं इसको जठर निर्गमी, ठीक है। लिख लें आप फटाफट से, इसको बोलते हैं जठरागम, इसको बोलते हैं जठर निर्गमी। अगर आप हिंदी में याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको तो बोलते हैं जठरागम, ठीक है, और इसको बोलते हैं जठर निर्गमी, ठीक है, जठरागम और जठर निर्गमी। अगला है फंडिस, यह इन दोनों के बीच में होता है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, यह इन दोनों के बीच में होता है फंडिस भाग।
नंबर तीन है फंडिस, यह है दोनों भागों के मध्य व डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। यहां पर डायफ्राम है, ये डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम के नीचे ये वाला भाग, ये जो भाग है ना यहां पर, ये इस भाग को, इसको मध्य भाग भी बोलते हैं, ये जो भाग है इसको तो बोलते हैं फंडिस, और इसको मीडियन पार्ट भी बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं, लेकिन हम इसको पूरा फंडिस में ही कवर कर लेंगे। क्लियर? तो ये दोनों भागों के मध्य व डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। अब क्या है कि इस डायफ्राम में दो स्फिंक्टर होते हैं, दो स्फिंक्टर होते हैं, पल्ले जिनको हम बोल सकते हैं, ऐसे दो पल्ले होते हैं डायफ्राम में, दो स्फिंक्टर, ठीक है, हम कपाट कह लें उनको, जो एक साइड ही खुलते हैं, कपाट या पल्ले, दो स्फिंक्टर होते हैं। कितने स्फिंक्टर होते हैं? दो। कहां कहां होते हैं? देखो, एक तो यहां पर होता है, कौन से वाले भाग है ये? कार्डियक भाग में है ना, और ओसोफेगस के यहां पर एक होता है, यहां पायरोलिक में, जो पायरोलस है ना, वहां और छोटी आंत के बीच में यहां पर। ये करते क्या है, पहले इनका काम समझ लो, काम से समझ में आ जाएगा कि ये इनका महत्व क्या है। देखिए, ये यहां इस तरह से है, अब ये क्या करेगा, यहां से भोजन आया, जब भोजन आहार नाल से यहां से ग्रास नली से नीचे आएगा तो ये यों खुल जाएगा, खुलते ही भोजन आमाशय के अंदर आ जाएगा, कार्डियक भाग में आ गया। ठीक है, जब भोजन आमाशय में आ गया, अब आमाशय भर गया और खाना बंद कर दिया, ठीक है, पेट भर गया, मतलब सूचना मस्तिष्क तक जाती है कि पेट फुल हो गया है, अब खाना बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दिया, खाना बंद करने के बाद ये यहां पर बंद हो जाएगा। अब यहां जब भोजन आएगा तो उस भोजन का माध्यम हो जाएगा अम्लीय, कैसा हो जाएगा? अम्लीय, क्योंकि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उस अम्ल के कारण भोजन अम्लीय हो जाएगा और उसका पाचन स्टार्ट हो चुका है और ये स्फिंक्टर अब बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या करेगा कि किसी भी कारण से कोई दबाव पड़ जाए या कोई और गैसियस या कोई और कोशिकीय क्रिया हो, उसके कारण ये यहां से अम्लीय भोजन वापस से ऊपर आहार नाल और मुंह में ना जा सके। जैसे ही भोजन ऊपर आएगा ये उसको रोक देगा, ऊपर जाने देगा, इधर से आइए, इधर से बंद आ जाइए, इधर से बंद, इस तरह से ये काम करेगा। क्लियर? और एक स्फिंक्टर होता है छोटी आंत और पाइलोरस के बीच में, ये क्या करेगा? आप अब मान लो आमाशय में भोजन आ रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि भोजन यहां आया और फटाफट से इधर चला गया, ऐसा नहीं करने देगा ये, या भोजन को कुछ घंटों तक रोके रखेगा, और जब उस भोजन का कि अब इसका इतना पाचन हो चुका है या ये इस प्रकार का बन चुका है कि ये छोटी आंत में जाना चाहिए पूरे पाचन के लिए, तो फिर ये खुल जाएगा, खुलते भोजन छोटी आंत में और फिर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं, दो अवरोधनी पाई जाती है जो भोजन के आने और जाने को नियंत्रित करती हैं। ये यहां से आने को नियंत्रित करेगी, वापस नहीं जाने देगी, और ये यहां से जाने को नियंत्रित करेगी, अधिक मात्रा में या जल्दी नहीं जाने देगी। ठीक है, तो ये दोनों स्फिंक्टर हैं, इन दोनों को हम पढ़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पहला स्फिंक्टर, तो पहला स्फिंक्टर है ग्रसिका व कार्डियक भाग को पृथक करने वाला, ग्रसिका व कार्डियक भाग को पृथक करने वाला भाग, ठीक है। ये तो है ग्रसिका आ रही यहां पर, और ये है कार्डियक, इन दोनों को पृथक करने वाला स्फिंक्टर। इसका नाम क्या है? ग्रास नलिका अवरोधनी, लिखें आप, इसका नाम है ग्रास नलिका अवरोधनी। ओसोफिगस कार्डियक स्फिंक्टर, यह है आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है। आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकता है, यहां जो अम्लीय भोजन है उसको वापस ना जाने दे। क्लियर? तो पहला स्फिंक्टर। नंबर दो, पाइरोलिक वे छोटी आंत को पृथक करने वाला स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या करेगा? छोटी आंत में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करेगा। इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी, ठीक है। फटाफट से कर ले, नाम मैंने यहां लिखे हैं अलग से जिससे आपको ये याद हो जाए। और नाम कैसे दिए गए हैं? जिस अंग का के लिए वो काम कर रहे हैं उस अंग, उसके हिसाब से नाम दे दिए गए इनके, ठीक है। तो जठर निर्गमी अवरोधनी, यह है आमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करता है। भाई आमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जा रहा है ना, उसको नियंत्रित करेगा। अब आती है बात आमाशय में पाचन संरचना पूरी हो चुकी है। आमाशय की सिर्फ इतनी संरचना है, ज्यादा खास अपन को ज्यादा डिटेल में यहां पर स्टडी नहीं करनी है। यहां से आया कार्डियक, फंडिक और पाइलोरस, और ये मध्य का भाग, ये मिडिल पार्ट, बीच वाला पार्ट है ना, ये संरचना होगी इसकी सिंपल सी। एक इंस्फेक्टर यहां पर है, ओसोफेगस कार्डियक स्फिंक्टर, और एक स्फिंक्टर
यहां पर है जठर निर्गमी स्फिंक्टर, ठीक है ना, ये पाइलोरस स्फिंक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये इधर जाने को रोकेगा, ये इधर जाने को रोकेगा, और ये इसकी जे के आकार की पेशीय संरचना है, मांसल संरचना होती है, और यह भोजन को ग्रहण कर लेता है, 1 से 3 लीटर भोजन को ग्रहण कर सकता है, और कुछ घंटे तक भोजन यहां रहता है जिसमें उसका पाचन संभव हो पाता है। ठीक है, अब आती है आमाशय में पाचन की बात। तो आमाशय में 3 प्रकार की श्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार के स्राव पाए जाते हैं। ठीक है, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमैक, पहले हमने माउथ में पढ़ा था, माउथ में एंजाइम पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं आमाशय में। ठीक है, तो पहली लाइन है कि आमाशय में तीन प्रकार के स्राव होते हैं, आप आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं। ठीक है, म्यूकस, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ये एंजाइम का छोटा भाई है पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन एंजाइम का छोटा भैया, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, वहां आमाशय में इसको एक्टिव किया जाएगा। ठीक है, अभी इसलिए हमने पहले इसका नाम लिखा है प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, और नंबर 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 3 बात तो आपको यह याद रखनी है कि आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहला तो म्यूकस, दूसरा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब म्यूकस, ये म्यूकस कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस कोशिकाओं से स्रावित होता है, ये सतही या गर्त का म्यूकस कोशिकाओं से स्रावित होता है, सतही या दोनों में से किसी से भी हो सकता है ना, गर्तिका म्यूकस कोशिकाओं से श्रावित। एक एक पॉइंट को आप डिटेल में इस तरह से देख लें कि कौन सी चीज कहां से श्रावित होती है। तो सबसे पहले म्यूकस, तो ये सतही मतलब उस आमाशय की सतह पर भी हो सकते हैं, और सतह पर नहीं है तो क्या होगा, गर्तिका अंदर भी हो सकती है, थोड़ी सतह के अंदर, तो उनसे क्या स्रावित होगा, म्यूकस, सतही या गर्तिका म्यूकस कोशिकाओं से स्रावित म्यूकस। जल्दी से लिखें आप इसको, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है, और प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन यह HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। तो ये तीनों यहां पर मेन पॉइंट आपके एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, म्यूकस किन कोशिकाओं से स्रावित होता है, पेप्सिनोजन कैसे सक्रिय होता है, और किस में बदलता है, पेप्सिन में भी आएगा, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि पेप्सिनोजन किस में बदल जाता है। अब देखो पाचन की बात करें,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को एंजाइम पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदल रहा है? पेप्सिन में बदल देता है। देखो प्रो एंजाइम या पेप्सिनोजन लिख देता हूं मैं सीधा, पेप्सिनोजन या पर हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पूरा लिख रहा हूं मैं इस बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये बदल जाएगा पेप्सिन। क्लियर? अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देगा। ठीक है, यहां पर आई प्रोटीन और एंजाइम आया पेप्सिन, और ये बदल जाएगा पॉलीपेप्टाइड में, हो गया डाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से आवाशय के अंदर प्रोटीन का काम तो ये हो चुका है। इसके बाद जो नवजात शिशु होते हैं, उन नवजात शिशुओं में एक एंजाइम और होता है, वो होता है रेनिन, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, कैसीन को कैसिनोजन में परिवर्तित करता है। नवजात शिशुओं में रेनिन एंजाइम होता है जो दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो इसके हम अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं कैसीन रेनिन और कैसिनोजन। क्लियर? तो इस तरह से आमाशय में यह हमारा पूरा पाचन हो चुका है। ठीक है, आमाशय यहां पर कंप्लीट हो चुका है, आमाशय की संरचना और उसके पाचन के बारे में, और इसके अब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।